इज दिस अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शैरन हैज सजेस्टेड बाय यू? गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक गैल्वेनिक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है और राइट साइड में क्या होता है? एनोड मेरे लिखने के बाद बताओगे? Didn't I just tell you this in the rules that anode will always be present on the left hand side and cathode always on the right hand side? Yes. 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 Are you scared? No. No. Okay. Anode pe kya hota hai? Oxidation. Oxidation. Cathode pe kya hota hai? Reduction. 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 जो रिडक्शन दूसरे का करता है वो खुद कौन होता है? जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो या ऑक्सीडेंट बोलो, वन एंड द सेम थिंग दिख रहा है बिकॉज द इंक इज ओवर। आई केम टू नो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव नो ऑप्शन, मारवाड़ी में दुकान खोला नहीं रहेगा तो मेरे को या तो ग्रीन या फिर रेड मार्कर यूज करना पड़ेगा। तुम लोग भाई लोग जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। सर ये निकल नहीं जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट? क्या बोल रही बेटा? नहीं वो वहां पे प्रॉपर ये रहता है उसको फ्लो बचाने के लिए, डोंट वरी। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ क्या बोलते हैं पोरस थिंग विच डजंट अलाउ द इलेक्ट्रोलाइट टू गो अवे, इट ओनली अलाउज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेम्ब्रेन रहता है? हां बेटा मेम्ब्रेन रहता है। दिस इज अ फ्यूल सेल। लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने आपको इसके बारे में। यस यस, बाकी टाइप के सेल्स और उनके रिएक्शन हमने कर लिए थे जिसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल एंड लेड एसिड एक्यूमुलेटर। ये दो चीज बहुत अच्छे से करना बेटा। लेड एसिड एक्यूमुलेटर एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में। यस यस सर, यस सर। एच एच बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। This is what is happening in this cell. अगर मैं generally बात करूं, अगर मैं generally बात करूं तो this is what is happening in the cell. Now how is this fuel cell a little different from the traditional galvanic cells? Traditional galvanic cells में बेटा क्या होता है ना, traditional galvanic cell में there are electrodes, इसमें भी electrodes है, ये carbon के electrodes है। Carbon के electrodes जब मैं बोलूंगा what are these? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल सर्किट। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट से इज खो, एक्वस खो ऑब्वियसली। खो व्हाट इज खो बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने एक चीज देखी थी दैट देयर शुड बी अ कॉमन आयन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द को एंड द पोटेशियम एंड द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन होगा बेटा? OH माइनस। दिस इज द ओनली गैल्वेनिक सेल जिसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट जाता रहता है और सेल कभी खत्म नहीं होता है। H2 और O2 को हम कंटिन्यूसली पास कर सकते हैं, वो कंटिन्यूसली रिएक्ट करेंगे और पानी बनाते रहेंगे, कंटिन्यूसली रिएक्ट करेंगे और पानी बनाते रहेंगे। This is a highly exothermic reaction, the combustion of hydrogen and oxygen. It is a highly exothermic reaction. तो जो H2O निकल रहा है, it actually evaporates. वो gaseous H2O निकलता है। समझ रहे हो? Yes. Yes. ठीक है। तो common anion का बताना ना, OH minus common anion. Yes sir. वो बताता हूँ, cell reaction बताता हूँ। अभी के लिए इसका function ही समझो पहले, ठीक है? तो भाई ये H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके सिर्फ एक ही बाय प्रोडक्ट दे रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जितना भी एनर्जी निकल रहा है, एंटायर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज प्रॉपरली। इसका एफिशिएंसी इज 70%। व्हाट डू आई मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मींस आउटपुट अपॉन इनपुट। मैंने इनपुट कितना दिया और उसके कंपैरिजन में आउटपुट कितना आया, सिंपल एज दैट। Yes.
Yes. मैंने कितना पढ़ाई किया, मैंने एग्जाम में कितना लिखा और मुझे मार्क्स कितना आया, मैं कितना ज्यादा याद करके लिख पाया, इज दैट इज माय एफिशिएंसी, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो मैंने मैंने 1 लीटर पानी दिया, उसमें से कितना ग्लास नींबू पानी बना, एफिशिएंसी. कितना दिया, आउटपुट कितना आया. अभी इसमें मैंने ये दिया है फ्यूल्स, अभी इसमें फ्यूल्स है ना, हाइड्रोजन को बर्न कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल. What are the unclean fuels? Petrol, diesel, all these are unclean fuel sources of energy, right? Yes. ये इनको हम unclean क्यों बोलते हैं? Carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, ऐसी भयानक भयानक gases इसमें से बनती हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान दे रही हैं, right? यहाँ पे क्या बन रहा है? Hotter. Only hotter बेटा. तो that is again a very clean thing. It is not polluting the environment. Yes. Yes. दूसरे थर्मल पावर प्लांट में जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उसमें भी सिर्फ 40% होता है, बिकॉज वहां पे भी आप केमिकल्स और दूसरे एनर्जीज यूज कर रहे हो. क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा, इट इज यूज्ड इन, आपको पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एक्चुअली दिस फ्यूल सेल इज ट्राइंग टू यूज इन नॉर्मल और डेली ऑटोमोबाइल्स एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. अभी तक ऐसे ऑटोमोबाइल्स लॉन्च नहीं हुए हैं पर पब्लिक यूज यहाँ पे ये यूज कर सके. रॉकेट्स में, स्पेसशिप्स में वी आर यूजिंग दिस. अब स्पेसशिप में इसका यूज करने का एक फायदा है, ये जो पानी एवेपोरेट हो रहा है इसको कंडेंस करके, दिस इज प्योर वाटर, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं, ये जो प्योर कुछ भी मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सॉल्ट चलता है उसके अंदर, तो ये जो H2O है इसको अपन कंडेंस करके एस्ट्रोनॉट्स इसको पी सकता है. यस सर. यस. ठीक है, अरे पानी भर के जाएगा तो वजन बढ़ेगा ना रे उसको, वो क्या करता, yes. जो सेल yes, में से पानी बन रहा है उसको पीते हैं एस्ट्रोनॉट. पता है बेटा एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं? यस यस. देन the government is trying to have a hydrogen economy wherein which they are trying to use hydrogen as a source of energy and to supply to each household. The drawback is bahut costly hai beta, isko handle karna is very dangerous. Thoda sa chingari and kaboom, highly flammable. Pata hai na tum logo, hydrogen is highly flammable. Yes. And oxygen supports burning. Yes. So jahan pe jis cell mein apun hydrogen as a fuel use kar rahe hain, इतना संभाल के कर. अभी देख बेटा, पेट्रोल में ऐसा आग लगाया तो वो कैसा फैलता है, आग लग जाता है उसमें, मूवीज में देखा है तुमने बेटा, राइट? तो पेट्रोल डीजल में आग लगता है, हाइड्रोजन को दूर से चिंगारी दिखाए तो फट जाता है वो, बिकॉज इट्स अ गैस, इट स्प्रेड्स क्विकली. लिक्विड्स एंड गैसेस में फर्क होगा ना बेटा? यस यस राइट. तो हाईली फ्लेमेबल, वेरी कॉस्टली टू प्रोड्यूस, टू मेंटेन दिस बल्क थिंग इज अगेन वेरी डिफिकल्ट. तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सर. मतलब वो प्रेशर में एकदम सेल के अंदर डालते हो पूरा गैस ना? हाँ ऑब्वियसली यस, बट ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करेंगे. ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो आपस में रिएक्शन होकर के स्पार्क होकर फिर से फटेगा वो, तो बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है. यस सर. अरे तेजस, अगर किसी गैस के ऊपर मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स आपस में ये करके क्या बोलते स्ट्राइक करके भी स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर. यस. ठीक है, ऊपर से ये हाइड्रोजन है, इसको फटने का शौक है बेटा. यस. चलो, इट्स वेरी नाइस दैट यू अंडरस्टैंडिंग दिस. अदर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर. यस. मना यस यस अंडरस्टैंडिंग बेटा. एनोड को देखो क्या हो रहा है. H2 plus 4 OH minus is giving me 4 H2O plus 4 electrons. ये 2 हो जाएगा. एंड कैथोड पे देखो ऑक्सीजन आ रहा है, दैट ऑक्सीजन प्लस द एक्वस सॉल्यूशन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 OH. तो अगर मैं इस रिएक्शन को कंबाइन करूं, 4H2O 4H2O 4OH माइनस 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बचा? यहां से 2H2O बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, तो 2H2 प्लस 4O is giving me 2H2O. This is the next cell reaction. इन दोनों को मैंने add किया तो मुझे ये ऊपर वाला reaction मिलता है. Guys. Yes. Yes, sir.
शुभम क्या बोल रहे थे बोलो बेटा? कुछ नहीं बोला, ये कुछ तो बोल रहा था, उसकी आवाज कट गई थी ना बीच में। सर वो OH माइनस कॉमन आयन क्यों है, मतलब वो नहीं सीखा। अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैंने कंबाइन किया तो OH माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें से, प्लस एक्वस सॉल्यूशन तो उसके अंदर OH माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? यस रहेगा। यस सर दैट वे ठीक है, नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग फ्यूल सेल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी इजी एंड अ क्लीन सोर्स ऑफ। लिख लिया ये? यस सर। कैथोड का रिएक्शन बताओ बेटा। कैथोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से जा रहा है, दिस ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद द वाटर, दिस KOH इज एक्वस KOH, पानी के साथ मिला है, कंसंट्रेट KOH नहीं रखेंगे ना अपन, हमेशा एक्वस रखेंगे ताकि आयंस रहे बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस O2 एंड H2 इट इज इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड टू ऑक्सीडाइज समवन एल्स, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद रिड्यूस होता है, वो H एक्सेप्ट करके OH माइनस बना रहा है पानी में से, वाटर इज ब्रेकिंग इनटू H प्लस एंड OH माइनस राइट, तो ये ऑक्सीजन H एक्सेप्ट करके OH माइनस बना रहा है, दिस OH माइनस इज गोइंग विद H2 एंड फॉर्म H2 विद H2 एंड फॉर्मिंग H2 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड, दीस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड द बाय प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्मड इज वाटर व्हिच इज बीइंग इवेपोरेटेड एंड बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। समझ रहे बेटा? अवंतिका, किंजल, सेजल, यस सर, आनंदी, सचित, प्रफुल, अना, यस सर, यस यस, आर्यन, हर्ष, यस सर, आदित्य पुजारी, यस सर, सबके लिए तू यस बोल दे बेटा, है ना? यश केकाने, धोपला से, यस, आशुतोष, गौरव, अमित, समीर, यस सर, साहिल, तीन साहिल का सर, यस सर, लड़कियों, सर फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा यू कैन यूज मीथेन गैस, यू कैन यूज द अदर हाइड्रोकार्बन्स आल्सो, द ओनली प्रॉब्लम इज द अदर हाइड्रोकार्बन्स यूज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट, सो द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट। यस सर, व्हाट इज फ्यूल सेल, इट इज नथिंग बट कंबशन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन मींस बर्निंग विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो आप किसी भी क्या बोलते हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है, तो हाइड्रोजन को बर्न करोगे तो सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होता है, बट अगर आपने दूसरे हाइड्रोकार्बन यूज किए तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है व्हिच इज नॉट, दैट इज व्हाई वी प्रेफर हाइड्रोजन, यूजिंग प्लेन हाइड्रोजन इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी डेंजरस। यस सर, यस सर, अक्षय, अक्षय नायर, अक्षय नायर आर यू अवेक बेटा? Yes. के लिए भी तू यस बोल बेटा। सर मैंने भी बोला। आपने ये वर्ड सुना है पहले? Yes. Yes. कहाँ सुना है? कौन से चैप्टर में सुना है? क्या पता आपको इसके बारे में? पीरियोडिक टेबल में सुना था। पीरियोडिक टेबल में आपने इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सुना है? कैसा तेजस बोल रहा है? ये तेजस क्या बोल रहा है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में?
तो आपने बताया था कि अगले साल पढ़ेंगे। मैंने कब बताया था, कुछ भी बोलता, मैंने कहा डीएनए ब्लॉक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे था। स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे था, ये कौन सा चैप्टर है सर? नहीं ट्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने ट्रेंड्स में देखा था। अच्छा तेजस तुम्हारी एनुअल टेबल में कहां देखा था इसको सर? वो इलेक्ट्रो था 11th में सर। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेयर करने के टाइम नहीं, क्या आपने बताया था कि अगले साल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेयर करते वक्त मैंने आपको बताया था। ओके फाइन सर, इस चैप्टर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये दो चीजें बताई राइट? यस यस। अच्छा so I want to understand this with the help of Sameer. Sameer, what is the meaning? मतलब I don't want a definition. मुझे ये जानना है कि अगर मुझे किसी का oxidation potential दिया है या फिर मुझे किसी का reduction potential का value दिया है in volts और electron volts, उससे मैं क्या infer करूँगा, मुझे क्या समझ में आना चाहिए वो देख करके। textbook छोड़ दो बेटा, अपने आप से बताओ कि अगर मुझे किसी का reduction potential दिया तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए उससे? सर उससे कौन एनायन है, कौन कैथायन है, ऐसा पता चलता है। ओके दैट इज द एप्लीकेशन, ठीक है फाइन। एक और बेसिक चीज उससे पहले सोचो बेटा, किस पे ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा, वो पता चलता है। किस पे ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा, ओके यू आर गेटिंग क्लोज टू इट, गुड गुड। एनीथिंग एल्स आदित्य पुजारी? एनीथिंग एल्स रचित? गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। जब भाई ले रहा, गुड मॉर्निंग बोलते बोलो ना। अच्छा सर, अगर मतलब मैंने आपको बताया forget about this, forget about reduction, forget about oxidation, x plus y is giving me z, there is some reaction and there is some energy associated with it, ki delta s tum logo ko pata hona chahiye, maine ek brief mein tumko samjhaya tha ye iske bare mein, gibbs free energy, gibbs free energy, gibbs free energy sabko samjha tha na? Yes yes, wo likh ke dena chahiye tha tumko, bahut easy tarika samajh lena। delta h is some heat associated with this reaction, अगर पॉजिटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है, अगर नेगेटिव है मतलब एंडोथर्मिक है, राइट? यस यस। सो ये रिएक्शन का डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन का डेल्टा एच अगर नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक, तो जो उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू है वो मुझे बताता है कि वो रिएक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, कितनी आसानी से वो हो रहा है या फिर उसको मुश्किल हो रही है। यस 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 सर। तो जो भी रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा उसके साथ जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू विल टेल मी कितनी आसानी से वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, कितने आसानी से वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x is turning to rather x minus is turning to x, इस रिएक्शन में इसमें क्या हो रहा है बेटा, कोई मुझे बता सकता है? x minus is turning to x, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो x minus क्या हो जाएगा बेटा? x minus एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्स न्यूट्रल एटम बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
मैंने कहा जाके रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा करेक्ट सर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा ठीक है ना जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है अकरावी जो हमने ऐसे ही हवा में उड़ा दी वो हवा को वापस लो यहां डालो यस मेवरेश मुदलियार यस आर यू रिकॉलिंग दिस यस सर पक्का हाँ पक्का अच्छा अगर मैं इस रिएक्शन को मैं आपसे कहूं कि भाई दिस रिएक्शन इज हैविंग वैल्यू से -1.2 वोल्ट्स ठीक है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.2 वोल्ट तो ये जो माइनस साइन है इट इज इंडिकेटिंग दैट दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज हैपनिंग इजीली और विद डिफिकल्टी डिफिकल्टी से डिफिकल्टी हो रहा है सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये बहुत डिफिकल्टी से होता है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा पॉजिटिव आएगा ये अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करूं तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा बेटा यस मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन इक्वल एंड ऑपोजिट सर ठीक है अब मुझे बताओ तेजस यहां पे क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है यहां पे रिडक्शन हो रहा है ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस कर रहा है मतलब दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दिस इज अ गुड वर्ड This is a good oxidizing agent. This is a good oxidizing agent. Yes, sir. Yes, right? sir. क्योंकि इसको reduce होना पसंद है. मेरे को electrons दो, मैं electronegative हूँ, मैं तुमको oxidize करूँगा. Yes. हाँ sir, समझा. Yes, sir. Okay. Yes, yes. Alright. This is looking more nice. Or this is looking more nice the second wala both are possible but both yes. are possible yes yahan pe difficulty negative yahan pe aasani hai aasani easily jo yes, easy sir. hai that is better yes concept samajh mein aaya tumko main kya samjha raha tha yes likhna tha ye yes sir likhna Yes, sir. थोड़ा समझने के लिए लिख लो हो गया रो E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ना यहाँ पे इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे इट इज रिडक्शन पोटेंशियल मैं क्या स्टैंडर्ड लेंगे वो मैं आपको बता दूं सर रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे ना स्टैंडर्ड यस सर रिडक्शन ही लेंगे ना एज पर आईयूपीएसी लेंगे यस yes. सर क्योंकि ऊपर ऑक्सीडेशन लिया तो वो फेवर हो जाएगा क्लियर यस सर सर अगर एक्स की जगह ये मेटल होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इट कैन बी एनी मेटल इट कैन बी एनी एलिमेंट इसलिए मैंने एक्स लिया था मैं स्पेसिफाई नहीं करता कि ये मेटल है कि नॉन मेटल अब नाउ आई एम कमिंग टू अ पॉइंट बेटा ठीक है तो अगर मेटल रहेगा तो ऑपोजिट हो जाएगा उसके लिए केस सिंपल इलेक्ट्रो पॉजिटिव यस सर बेटा आयु पैक का फुल फॉर्म क्या है बेटा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पैथेटिक कनाड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सर वो कंटिन्यू करो हां बेटा प्लीज बेटा कनाड आई एम सो हैप्पी यू आर आंसरिंग सर इट्स अमित अमित शट अप कनाद वेयर आर यू कनाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कितना टाइम लगा देखने के लिए सर इंडियन यूनियन प्रायोरिटी अप्लाइड केमिस्ट्री इंडियन यूनियन प्रायोरिटी अप्लाइड केमिस्ट्री तुमको पता है तुम क्लास में तो मैं क्या करता हूं गाइस तुम लोगों का भी मन करता है कि अपने शुभम को घेरे और उसको ऐसा कपड़ा लगा के आगमन टपली मारे यस Sir, but is it real like Indian Union? No, it is not. He is kidding. Shubham is
just having fun because he has not slept all night. He's high. International Union of Pure and Applied Chemistry. Even IUPAC बोलता है ये जो E0 है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेने. अरे बेटा ये अभी देखो इट्स लाइक कंपैरिजन. इट इज लाइक कि मैं बोल रहा हूं कि मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूं एंड अपना अमित फिजिक्स में बहुत अच्छा है. क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं दोनों का इंटेलिजेंस? नो. ऑब्वियसली यू गाइस आर मोर इंटेलिजेंट देन मी. ठीक है. Now, I was waiting for Sharon to say a yes, beta. So when we say this, when I say this, that I am tall and Kedar is fat. I am tall and Kedar is fat. Okay? Am I doing a proper comparison? Will I be able yes. to? No. No. Draw chahiye. Okay. Ek, agar main dono ki height compare kar raha hu. अगर मैं दोनों का वेट कंपेयर कर रहा हूं तब तो मैं प्रॉपर कंपैरिजन कर रहा हूं. इट इज लाइक सर्चिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ कॉमर्स एंड अ साइंस स्टूडेंट. बोथ कैन बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट आई हैव टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड्स. आई हैव टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड. सिंपल एज दैट. मुझे जो भी मैं कंपेयर करूंगा वो दोनों में इक्वल दोनों में सेम क्वांटिटी मुझे देखनी पड़ेगी. अगर मैं दोनों की हाइट देख रहा हूं तो मुझे हाइट देखनी पड़ेगी. वेट देख रहा हूं तो वेट देखना पड़ेगा. यस. अगर मैं दोनों का पैसा देख रहा हूं तो पैसा देखना पड़ेगा. राइट. यस. आई हैव 0 रुपीस एंड मयूरेश मुदलियार हैज 45,000 रुपीस. तो नाउ द कंपैरिजन इज बेटर दैट आई एम पुअर एंड मयूरेश मुदलियार इज रिच. यस. यस. राइट मयूरेश. यस. यस सर. 45,000 रुपीस प्लीज. लास्ट क्लास में मयूरेश के पास कितना पैसा किया था अपुन ने? 10 करोड़. करोड़ में से इस क्लास में 45,000 एक हफ्ते में कहाँ उड़ाया बेटा? आपने ही ले लिया. मैंने ले लिया भाई. मैंने ले लिया तो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको. मैं नासा में चला गया होता. मैं उसमें चला गया होता स्पेस पोर्टल में या फिर फर्स्ट सिविलियन स्पेस में गया है. यू नो द वेरी फर्स्ट सिविलियन space shuttle has been launched. Yes, sir. उसका टिकट कितना है पता है किसी को? No. Probably 6.4 crore. इतना सस्ता है? I doubt. Yes. Okay. I think it should be more costly. 6.4 crore is nothing to go in space, beta. वो बहुत कम पैसा. Even rich people like Mayuresh can't afford to go to space. कितना महंगा है? ठीक है. So Mayuresh, yes. Standard reduction potential. तो अगर मैं x और अगर मैं y ये दोनों का standard reduction potential एक का positive है एक का negative है या फिर दोनों का positive है या फिर दोनों का negative है जो भी है. अब मैं अगर compare करूँगा तो मुझे इजी पड़ेगा. इसीलिए हम लोग एक वैल्यू लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. दूसरी बात, आई हैव टॉट यू अबाउट हाफ रिएक्शंस. Yes. You. Kedar. Yes, sir. Kedar, इसमें से किसका oxidation हो रहा है और किसका reduction हो रहा है बेटा? जिसमें जुड़ता है वो ऑक्सीडेशन होता है और जिसमें निकलता है वो रिडक्शन. क्या जुड़ता है और क्या निकलता है बेटा? मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन CO का हो रहा है और ZN का रिडक्शन हो रहा है. ओके. ठीक है बेटा. मुंह पे पानी मारा है तुमने? नहीं ना कुछ लेट के बेटा बात कर रहा है मुझे पता चला. ओके. मयूर नहीं प्रफुल
प्रफुल प्रफुल सो जाओ. ओके आर्यन कौन सा बोर्ड आया इधर? आर्यन नहीं, प्रथमेश नहीं, प्रथम प्रथम चौधरी. तुमको पता है ना मैं कल क्लास में आने वाला हूँ और ये तीन नाम मुझे याद रहेंगे. यस प्रथम. हेलो. हाँ कौन बोला बेटा? प्रथम. प्रथम वेरी गुड बेटा. प्रथम केदार ने बोला इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. आप अपनी राय बताएंगे इसके ऊपर? बड़ा तुला मला हे सांगायचं याच्यात कोणत्या कोणत्या स्पीशीजचा ऑक्सिडेशन होत आहे आणि कोणत्या स्पीशीजचा रिडक्शन होत आहे. सीओचा ऑक्सिडेशन. बेटा बिना लाइट के दिख रहा है क्या? यस यस सर. ओके ठीक है. किधर? यस सर. अगर मैं नेगेटिव गेन करता हूं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता हूं तो मेरा रिडक्शन हो रहा है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है. इलेवेंथ में सिखाया था, आगे जाके याद रहेगा बेटा. सीओ का टू कम हो गया तो हो गया रिडक्शन, और इसने गेन किया है ZN को. गेन किया है? व्हाट इज गेन किया बच्चों? इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. यस यस सर. दो रिएक्शंस को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन. रिएक्शन दिस इज द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन. यस यस यस. बच्चों दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. Half reactions will always show electrons. Yes. जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि भाई किसका oxidation हो रहा है, किसका reduction हो रहा है, और overall redox reaction में कैसे पता चलेगा किसका reduction हो रहा है, किसका oxidation हो रहा है, ये मुझे बताएगी शारिन वर्गे से. सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? ओवरऑल रिएक्शन में इफ आई एम नॉट बीन गिवन दीज हाफ रिएक्शन, ये नहीं दिया है तो इसको देखे कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है, ये नहीं दिए. Cu2 plus का यहाँ don't give me answer, give me generalized term कि कैसे पता चलेगा कि किसका oxidation हुआ और किसका reduction. It's okay, I know you know this answer बेटा, do not get nervous बच्चे. योगेश व्हाट इज द आंसर बेटा? सर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. वेरी गुड योगेश. ए शारिन यू विल सी किसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है. यस सर. शारिन 11th स्टैंडर्ड. यस सर. यस मुझे मैं इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू कि 11th का रिडॉक्स थोड़ा सा याद कर लेना. हां बेटा बोलो शारिन. सर ऑक्सीडेशन नंबर ही था याद था, बट मुझे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने वाली थी, मुझे वो टर्म नहीं मिला था. नो नो इट्स द सेम थिंग ना, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट वन एंड द सेम थिंग. वेरी गुड योगेश. गुड जस्ट बेटा देखो हम सबको आता है, अपन सबको सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है, टाइम पे याद आकर के लिखना इज द पॉइंट, दैट इज व्हाई वी आर फाइटिंग दिस जंग. अंडरस्टैंडिंग बेटा? तो द रिकॉलिंग पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग विच. दो हाफ रिएक्शन को ज्वाइन करके अपने को एक सेल मिलता है. एक्सेंट वेरी नाइस. गंदा. Whoever said Danda, you leave my lecture. No. So,
What we are saying over here is, we are saying that there are half reactions. Now, half reactions can be for oxidation or reduction. But IUPAC standard says, when you have to compare two quantities, always compare it with the same value. And we are considering the reduction potentials. So, jiska oxidation ho raha hai. Our lecture recorder. Sachi. Indian accent. No. तुमको तो कुछ पसंद नहीं आता बेटा. इसके लिए अगर ऑक्सीडेशन दिस इज ऑक्सीडेशन ना सर. यस ऑक्सीडेशन है. यस. अच्छा इसका ऑक्सीडेशन इट मींस दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इजीली. इसका मतलब यही है. यस. यस. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल हैव अ नाइस पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव. पॉजिटिव वैल्यू. सम रैंडम वैल्यू. अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू आएगा. क्या हो जाएगा बेटा. नेगेटिव. नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू. मतलब दिस इज हैपनिंग विद डिफिकल्टी. डिफिकल्टी. यस सर. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस. देयर कैन बी मेनी सच रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस. Cl plus electron is giving me Cl minus sodium. Plus electron is giving me sodium minus. या फिर Na plus plus electron giving me sodium. ऐसा लिख सकता हूँ मैं, right? Na gives Na plus plus electron. What am I writing? Yes. Reduction. Reduction. ठीक है. तो different reduction half reaction. It can be any. Different reduction half reaction arranged in. तुम लोगों को ascending और descending का मतलब समझते हैं? Yes, ascending. Yes. Yes. Ascending means छोटे से नीचे से हाँ नीचे से ऊपर ज़्यादा descending ऊपर से नीचे. बड़े से छोटा. बड़े से छोटा. Arranged in their descending order. Descending order. This is nothing but your electrochemical series. पहले समझो electrochemical. बेटा ये बहुत easy चीज है. अगर आपने इसको master कर लिया ना JE और NEET के question तो ऐसे solve कर सकते हो. ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको. ठीक है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. तो थोड़ा light दिख रहा है marker वगैरह. Marker light दिख रहा है बेटा. I'm extremely sorry because my black ink has run out and I couldn't buy it in the last evening. And that is why I always keep telling, please give me money so that I can buy proper ink. But you guys don't send me money. This Mayuresh has 10 crores, but he cannot give me 30 rupees. Hey, Mayuresh, kal 30 rupees deya kya mereko ink khareedne ke liye? 45,000 ho gaye na sir. To usme se 30 rupees nahi de sakta, chindi. Ha, pakka kal. Pakka na. Everybody, you are the saboot that Mayuresh is going to give me 30 rupees tomorrow. Okay? Yeah. Different reduction half reactions arranged in their descending order. अभी मैं पूरा electrochemical series लिख तो नहीं पाऊंगा, but I don't know if you are having a book. बेटा, सबसे ज़्यादा electronegative element दुनिया में कौन सा है? Fluorine. 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 Yes. Fluorine. तो इस table पे top पे कौन आना चाहिए? Fluorine. Fluorine. Hey बेटा. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, मतलब सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा. टेबल का सबसे नीचे लिथियम. लिथियम. लिथियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है. मेटल है. What is the tendency of metals, Sameer? Lose electron. Very good, Sameer. Metals, they have a tendency to lose electrons. Uska ulta kar diya to difficulty ho jayega? Yes, difficulty. Yes. Yes. Aapko masti karne ki aadat hai. Aur agar aapko shanti se baithne ke liye bol diya to aapko dikkat ho jati hai beta? Yes. Yes.
Yes. आपको खाना खाने की आदत है, अगर आपको उपवास करने को बोल दिया तो आपको मौत आ जाती है बेटा? Yes. No. Yes. No. Yeah. No. उपवास मत करो, इस उम्र में कौन उपवास करते हैं? Yes. Okay. अपना हाँ, आपको आपका फेवरेट फूड पिज्जा, बर्गर, आलू पराठा, रसमलाई, उंधियू, खाकरा, फिर क्या बोलते हैं छोले भटूरे, गुलाब जामुन विद रबड़ी, जलेबी विद रबड़ी, समझ गए? ओके, भूख लगी सर। यस, आपको आपका फेवरेट फूड खाना खाने को बोला तो आप कैसा भराभर भराभर फटाफट खाओगे बिना किसी के बोले? यस यस, बिना किसी के बोले खाओगे। और उसी जगह आपको जो चीज नहीं पसंद, बैंगन, फरस भी, करेला, करेला इज गुड बट ठीक है, करेला, दूधी, पोपला, अगर इसकी सब्जी खाने को बोली तो आपको कैसे मौत आती है बेटा? यस राइट। तो एक चीज जो आप आसानी से कर सकते हो वो आप जल्दी जल्दी और अच्छे से करोगे, और एक चीज जो आपसे आसानी से नहीं होती, यू विल टेक इयर्स टू डू इट, और रादर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यस, समझा समझा। कोई भोपले की सब्जी ऐसे प्यार प्यार से खाता है क्या? यस यस, या फाइन, यू गाइस आर ऑल, देयर इज एक्स, देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज इन केमिस्ट्री एंड दिस क्लास के एक्सेप्शन था तेजस है, से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या बोल रहे बेटा? सर एलआई का मतलब छोटा सेल होने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। कीपिंग दैट असाइड, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सीरीज, इसका मतलब ही ये है कि अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखूं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव होने के कारण ये रिएक्शन होने के लिए बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए ऑपोजिट होगा। इट इज जस्ट दैट आई वांट टू कंपेयर हाइट विद हाइट, आई वांट टू कंपेयर वेट विद वेट, दैट इज व्हाई मैंने रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा। सर मतलब इसनेस के लिए सबको रिडक्शन बना रहे हैं। बच्चों अंडरस्टैंड वन थिंग, इसका मतलब ये नहीं कि यही रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि बस मुझे इसको इससे कंपेयर करना है। अब देखो मैं कंपेयर कैसे करूंगा बेटा, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक मिनट मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूं, प्रॉपर वैल्यूज क्या है वो देख के लिए। प्लस 2.87, प्लस 2.87, और इसका वैल्यू माइनस 3.04 का, माइनस 3.0। I am comparing plus 2.870 with minus 3.045 volts. Which is bigger? 2.87. It is positive value. मैंने अभी आपको बताया positive value मतलब वो आसानी से हो रहा है। Yes. Yes. Negative value मतलब वो difficulty से हो रहा है। Yes. Right? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें इतनी दिक्कत होती है कि इसको रिवर्स कर दो तो वो आसानी से हो जाएगा। इसको अगर मैंने रिवर्स किया तो ये इससे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। यस यस सर, हां दैट इज अ रॉन्ग कंपैरिजन। इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे स्टिल रिडक्शन हो रहा है। अगर इसको मैंने रिवर्स कर दिया और इसको मैंने रिवर्स किया तब दैट वुड बी अ करेक्ट कंपैरिजन। यस सर, यस तब वो ऊपर वाला डिफिकल्ट दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करो या फिर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करो। आईयूपीएसी बोलता है रिडक्शन पोटेंशियल सबका कंपेयर करो, ठीक है? सबका हाफ सेल रिएक्शन जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ज्यादा पॉजिटिव मतलब वो आसानी से हो रहा है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वो रिड्यूस आसानी से होता है, वो रिड्यूस होता है मतलब वो एक अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने की वैल्यू बीच में देयर इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग मी एच, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज जीरो। ये बेटा हमने देखा था ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन फोटो पोटेंशियल जीरो। हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल का पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी वैल्यूज है नेगेटिव।
यस सर अभी समझा लीजिए। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिडक्शन इजीली होता है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिडक्शन बहुत डिफिकल्टी से होता है, दैट मींस दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सर नीचे उल्टा कर दिया तो इजी होगा ना, नीचे का अगर उल्टा करे तो इजी हो जाएगा उनके लिए, मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया तो इजी हो जाएगा। एक ही बात है ना, हाउ डज इट मैटर बेटा, मैं ऑक्सीडेशन कंपेयर करूं या रिडक्शन कंपेयर करूं, अल्टीमेटली द आउटकम इज सेम ना। अगर मैं ऑक्सीडेशन कंपेयर करूं तो भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर मैं रिडक्शन कंपेयर करूं तो भी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिंपल, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी ना बेटा। यस सर। सर वो फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अरे बेटा उस वक्त मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव होगा मतलब उसको अगर रिवर्स किया तो वो रहेगा तो सेम चीज ना बेटा। यस सर, से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा ना। अरे बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है बेटा। यस 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 सर। स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर टेंडेंसी टू अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल। यस। ऊपर आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल एज दैट। अरे मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर्स। यस सर समझा। बच्चों। यस सर समझा। यस सर। पक्का? पक्का। तो ये हमने इसके फीचर्स देखे, हमने इसके एप्लीकेशन देखे, अब हम देखते हैं स्पॉन्टेनिटी कैसे हम लोग ये करेंगे, हम लोग स्पॉन्टेनिटी कैसे ढूंढेंगे किसी भी रिएक्शन। तो लेट अस सी एन एग्जांपल। ए बेटा स्पॉन्टेनिटी के लिए मैंने आपको बताया था डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव यस। Yes. अभी डेल्टा जी के टर्म्स में बात नहीं करना है, अपने को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करना है। व्हाट डज द पॉजिटिव वैल्यू से वेरी गुड शायर, पॉजिटिव वैल्यू मतलब इजिली होगा, इजिली होगा मतलब स्पॉन्टेनियसली होगा। मुझे दो हाफ सेल रिएक्शन दिए हैं, एक रिडक्शन हो रहा है एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिए हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, ई ऑफ सेल इज वॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन मैग्नीशियम ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है क्या Ag प्लस आयंस मेटालिक मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कैन दे ऑक्सीडाइज दिस मेटालिक मैग्नीशियम। तो मेटालिक मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन मतलब क्या, दिस 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। Ag प्लस का रिडक्शन क्या, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag। दिस बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली 2 ऐड करना, यस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए 2 4 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा अपन। यस यस ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में E0 ऑफ मैग्नीशियम इज -2.37 वोल्ट। सर ये पूरा बायहट करना पड़ेगा टेबल। नहीं नहीं बेटा, वैल्यूज गिवन रहेगा, बिल्कुल बायहट नहीं करना। एंड E0 फॉर सिल्वर इज 0.8 वोल्ट। कैन आई रब दिस? यस। हाँ बेटा, अब ये सेल पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप, आपको दे रखा है ई कैथोड माइनस ई एनोड। E0 of cell is equal to E cathode minus E anode. Anode पे क्या होता है? Oxidation. Cathode पे क्या होता है? Reduction. E reduction हो रहा है? Yes. Yes. E cathode है 0.8 minus
एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ये गैल्वेनिक सेल बन सकता है सर मतलब ऐसे देखने का ना कि पूरा नेट रिएक्शन का पॉजिटिव आया तो गैल्वेनिक सेल नेगेटिव आया तो नहीं आता है हाँ सर समझा सर नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस करेक्ट अरे सर नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस वेट वेट सर वेट सर सर वो नॉन स्पॉन्टेनियस की बात है नेगेटिव मतलब अरे बच्चे पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन डिफिकल्टी से हो रहा है मतलब वो प्रॉपर सेल नहीं बन पाए बिकॉज़ उसमें केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है फिर वो गैल्वेनिक सेल नहीं बन सकता शुभम समझा सर अभी अच्छा अच्छा एंड ऑफ दिस डन सर यस सर यस आशुतोष नहीं आया लेक्चर में नहीं आना वो उसको बुखार है मत आया तो फिर क्यों लाइव लेक्चर रखते हैं हम लोग रिकॉर्ड करके डाल देंगे ना क्यों फालतू में इतना ये करने का इंटरेक्शन बच्चों के साथ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस बेटा ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके नीचे उससे कम उसके नीचे उससे कम उसके नीचे उससे कम एंड सो ऑन बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर है yes. Yes. तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है बिकॉज़ वो उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यस सर कर सकता कर सकता है कर सकता है सर रिपीट करो ना क्वेश्चन दिस इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द बिलो वन This is stronger than इसके below one. This is stronger than इसके below one. तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को easily oxidize कर सकता है? Yes. Simple as that. जो नीचे वाला है वो ऊपर को oxidize नहीं कर सकता है, but reduce कर सकता है because it is a stronger reducing agent as compared to the ऊपर वाला. Yes. Yes sir. देख भाई, A is stronger oxidizing agent as compared to B. That means B is a stronger reducing agent than compared to A. Yes. Yes. So, ये इसको oxidize कर सकता है. ये इसको oxidize नहीं कर सकता, but reduce कर सकता है. Yes, sir. Yes. Yes. Sir, A B को oxidize कर सकता है और B A को reduce कर सकता है. Yes. ये तुमको ऐसा नहीं समझे. Let us do certain sums and numericals. Now this. Brings us to the end of the theory of this chapter. Guys, no, I want each student of mine to be honest with me. मैंने ये chapter बहुत slowly पढ़ाया आप लोगों को because I wanted the concepts to be clear in your mind. Reactions थे थोड़े बहुत थे बहुत कम थे. क्या आपको ये chapter समझ में आया? Because this is one of the most confusing and complicated chapter. I tried my best to ease it out for you. मैंने शायद एक ही lecture laptop पे लिया था. बाकी everything I taught you on the board in front of me. Yes. Have you understood this? Yes. Yes. बच्चो I know आपको पढ़ना पड़ेगा आपको revise करना पड़ेगा doubts आएंगे that is there in place but while I have taught you the concepts is the concept clear in your mind बेटा yes yes sir yes sir पक्का yes. चार mark का chapter है बेटा मेरे आज भी मेरे हिसाब से इस chapter को mark ज्यादा होने चाहिए because actually क्या किया है ना वो लोग ने पिछले साल पहले के मुकाबले ना portion बहुत कम कर दिए सर एंट्रेंस में नहीं वन नहीं एंट्रेंस में कभी कुछ कम नहीं होता सर 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 मैं सुन रहा हूँ बोलो ना सर वो एच आपने बताया ना एच डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज हाँ सर हाँ तो क्या उसका क्या सर उसका मतलब एक बार समझाओ
It is the overall energy change required for that reaction or involved in that reaction. मैंने अगर किसी को पीटा तो उस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ दैट सिस्टम. मैं किसी को पीट रहा हूं मतलब वो एक सिस्टम है, वहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना. Yes. Yes. तो उसमें टोटल एनर्जी चेंज कितना कंपनी हो रहा है, दैट इज एंथैल्पी चेंज. आई डोंट, आई एम नॉट श्योर. मैंने आपको वो जो मैंने आपको फैराडेज लॉस सिखाए थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे थे ना, मोलर मास ये वो. यस सर. कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट किया था हम लोगों ने जिंक और हाइड्रोजन का. सेल कॉन्स्टेंट अगर identify oxidizing agents and arrange them in the increasing strength under standard state conditions. The standard potentials are given in parentheses. Aluminium is -1.66. Al3+ is -1.66. Cl2 is 1.36. Cd2+ is -0.4 volts. Iron is -0.44 volts. Iodine is 0.54 volts. And Br- is 1.09 volts. इन सबके standard reduction potentials दिए हुए हैं. आपको find out करना है इनमें से सबसे ज्यादा strong oxidizing agent कौन होगा, जिसका इजीली रिडक्शन होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. इजी रिडक्शन मतलब हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू. किसका दिख रहा है? क्लोरीन. Cl2 क्लोरीन. नंबर आयोडीन. नंबर 3 कौन होगा? सीडी कैडमियम 2. कैडमियम. अरे अपना बीआर माइनस ये वाला सर. आपको क्या, मैंने आपको क्या बोला बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए. अब भी थोड़ी देर पहले आपको बताया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. ये सर. ये 1, ये 2, ये 3, 4 कौन होगा? कैडमियम. कैडमियम. Fe. Then donor 6. Yes. 6. समझ गए? Yes sir. Yes sir. Can I rub this? Yes. No sir. Yes. Huh? सर अगर वो AL और Al3+ के बीच में पूछेगा तो कैसे करने का? सेम आएगा ना? सेम आएगा. सेम दोनों साथ में. हाँ सर. सर इलेक्ट्रोकेमिकल पैरेलल नहीं होता? नहीं. Which of these species is a strongest reducing agent? सबसे strong reducing agent कौन होगा इसमें? K potassium. जितना ज़्यादा negative value उतना reducing agent. इसके बाद कौन आएगा? Magnesium. उसके बाद nickel. Tin. Ti. Yes, nickel.
उसके बाद एजी एजी उसके बाद Br2 Br2 और उसके बाद CGM CGM दो मार्क का अगर ऐसा क्वेश्चन आया पर वो ध्यान देना कि वो रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो यस सर हार्ड क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन अभी करेंगे ना पूरा एंट्रेंस में अभी से क्यों हार्ड हार्ड होना है कैल्शियम प्लस कैडमियम इज गिविंग मी कैल्शियम 2+ कैडमियम क्या वतन है सर आए क्या वतन है इसका क्या वतन है कैल्शियम इज गिविंग मी C8+ 2 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सांगायचे आहे का सांग रे बाळा स्टैंडर्ड इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा सर -2.866 वो टेबल में लिखना है तो दिस इज रिडक्शन क्या नहीं मुझे रिडक्शन पोटेंशियल सबके लिखने पड़ेंगे सर 2.925 है पोटेशियम का 2.925 ये वैल्यूज दे रखे हैं मम्मी ये वैल्यूज दिए हुए हैं ठीक है दिस इज दिस विल बी गिवन टू यू उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अब पहले तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कैडमियम का रिडक्शन कैडमियम का ऑक्सीडेशन कैडमियम का रिडक्शन एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है -0.403 माइनस एनोड कौन है कैल्शियम माइनस ऑफ 2.866 फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा -0.403+2.866 क्या आता है वैल्यू टू पॉइंट फोर सिक्स थ्री पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव इज दिस अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और अ नॉन स्पॉन्टेनियस पॉसिबल ये सेल बनाना पॉसिबल है यस सर यस सर आज सर नहीं समझा इसका मेरे को क्वेश्चन नहीं दूसरा रिएक्शन देखो समझेगा सर हाँ बेटा फ्लोरोकोर क्या होता है हैं फ्लोरोकोर ये कौन सा टैबलेट है इधर मुझे समझा नहीं बेटा तुम क्या पूछ रहे हो अरे फ्लोरोक्लोर किसके लिए यूज करते हैं फ्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए बेटा नहीं फ्लोरोकोर फ्लोरोकोर क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड यस है ना यस यस मैं चेक करता हूँ बेटा मेरे को भेजना तुम मैं चेक करता हूँ ओके सर
ये वैल्यूज दिए हुए हैं सर, वो नीचे ओनली शुभम विल आंसर, ओनली शुभम विल आंसर, ओनली शुभम विल आंसर, नोबडी एल्स विल आंसर. शुभम, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? सर SN का रिडक्शन हुआ और BR का ऑक्सीडेशन हुआ. व्हाट इज E0 ऑफ सेल बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वो BR का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऐसा रहता है. रॉन्ग है सर वो. कौन रॉन्ग है? सर BR का हाफ रिएक्शन. हाफ रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो साइड आएगा. यस मतलब रिएक्शन उल्टा 2Br प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन सर Br मतलब उल्टा है. यस 2Br बराबर है सर. रिडक्शन कंपेयर कर रहे ना. मैं क्या वैल्यूज लिख रहा हूँ? मैं सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिख रहा हूँ इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. राइट सर? यस सर. यस मेरी बेटी सुन, पहले देखो बेटा, बेटा इस दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. ये अपने को दिया है, ये अपने को दिया है. इसीलिए मैं इस रिएक्शन को देख के पता कर रहा हूं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है. ये किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है ये पता करके मुझे क्या पता चलेगा कौन कैथोड है और कौन एनोड है. यस सर. यस सर. यस Yes, I'm talking to you. Yes. Have not understood. I'm starting from the beginning. हाँ, मैं शुरू से शुरू करता हूँ. शुरू बोल रहा हूँ. शुभम और शायरन तुम लोग को समझा? मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ बेटा. सर मेरे को अभी थोड़ी देर पहले क्या बोलता है? कितने लोग को नहीं समझा? Raise your hands. I want to see कितने लोग को नहीं समझा. समीर शेडगे को नहीं समझा. थ्री पीपल को नहीं समझा. हु आर दीज थ्री पीपल? समीर, शारन शाहजी, साहिल वलांजू, योगेश, यश बोराडे, अवंतिका सहारे, अक्षय नायर, श्रवणी कुलकर्णी, प्रचेत और कोई है? तनश्री निफाड़े. सर मेरे को समझा अभी, मेरे को समझा क्लियर. विवेक पाउशे और कोई? मैं सबको समझाऊंगा साथ में, इसलिए तन्मय लोंधे. एंड सर मेरे को समझा मेरे को. प्रथम चौधरी, ठीक है चलो. ओके यू कैन लोअर ऑल हैंड्स. आर्यन सिंह, ठीक है. यश बोरहाड़े, ओके ठीक है. समझ गया बेटा, समझ गया. लेट मी एक्सप्लेन. मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, इस वाले को फिर से बताता हूँ. एवरीबॉडी पे अटेंशन. लाइट चालू करूं? बाहर अंधेरा हो गया थोड़ा सा इसलिए. दिख रहा है ना? बेटा मुझे द क्वेश्चन इज, मुझे ना एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया है उन्होंने, ले ऐसा करके उन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया. वो दोनों एलिमेंट्स जो उस रिडॉक्स रिएक्शन में यूज हुएंगे, उन दोनों का एज पर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं दिया है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं दिया, सिर्फ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है. इतना समझा गाइस? यस. जिन लोग को समझा वो लोग मत बोलो, जिन लोग को नहीं समझा वो लोग बोलो बेटा, प्लीज प्लीज बेटा. एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया है, मेरे को उसको जज करना है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर E0 ऑफ सेल पॉजिटिव आया तो वो स्पॉन्टेनियस है, अगर नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है बच्चों? यस यस. ये दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है. अब ये रिएक्शन को देख के मैं देखेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, यहाँ पे प्लस टू, इसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज टू प्लस, यहाँ पे इट इज जीरो, इसका क्या हो गया बेटा? रिडक्शन. एक गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे. एनोड पे ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एनोड हो जाएगा. और रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे. कैथोड पे. कैथोड हो जाएगा. स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे दिया रहता है? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड. E0 ऑफ कैथोड, कैथोड इज गिवन, E0 ऑफ एनोड इज गिवन. दोनों वैल्यूज को पुट अप करके आंसर लेके आने का. पॉजिटिव आया मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट इज फीजिबल.
Yes, sir. Yes. Samjha, sir. Color. Yes. Yes. Shalin, did you understand why this have not written ulta? Sir, मतलब दोनों का reduction of reaction ही लिखना है. हाँ हाँ वो लिखना नहीं वो दिया रहेगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं दे रहे. तो ये क्या हो जाएगा बेटा No. समझ गए कैसे सॉल्व करना है दो मार्क का न्यूमेरिकल. यस 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 शुभम -0.930 आया जो भी आया वो ऐसे माइनस 0. हां 1 नहीं आया 930 आएगा ना 930. हां ठीक है ये आई शुड नेवर ट्रस्ट शैरन ऑन कैलकुलेशन. हां यस अच्छा यस तुम सब लोग के पास ये लिख लिया दोनों. Yes, sir. नहीं लिखा ये वाला सही लिखा. अरे ये वाला तो लिखा पहला वाला. हाँ वो पहला वाला लिखा. इश्क लिखा तो हाँ बोलना. Yes sir लिखा है. तो बोल क्यों नहीं रहा तुम. एक सामने रहा हूँ खुद से करके दिखाएं. सबके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीधी से टेक्सटबुक में ऐसा कोई है जिसने अभी तक टेक्सटबुक नहीं खरीदा है बेटा. नहीं खरीदा सर. यस नहीं खरीदा. शुभम यस तुम कल मिलो बेटा. यस कल टेस्ट है केमिकल कंटेस्ट. हां जो भी है कल मिलो. कल नहीं परसों है. परसों परसों ओए ये परसों so these values are given you find out who is anode who is cathode accordingly find E0 of cell and tell me whether this is spontaneous or non spontaneous. I want this answer from Pratham. Nobody else will answer. If anybody else answers you will see my wrath. Sir udhar 257 hai 252 hai 257 hai 7 sir ekdam light tum chashma lagao beta sir marker ekdam light dikh raha hai. मार्कर कुछ लाइट नहीं दिख रहा है. इतना प्यारा मार्कर है. तुम लोग मुझे पैसा देते नहीं हो इसलिए मैं इसमें रिफिल नहीं करा पाता हूँ. कल मुझे मेरा मयूरेश 30 रुपए देगा तो मैं इंक खरीदूंगा. यस ये क्या है और ये क्या है. मुझे मेरे हिसाब से सिल्वर एनोड हुआ और निकल कैथोड हो गया. Yes, anode cathode. Yes, anode cathode. Silver anode nickel. E0 of cell will be -0.257 -0.799. Value kitna aata hai? Cathode ka reduction potential nahi dikh raha hai. Value. Sir, -1.056 volt. सर वो उल्टा है नीचे वाला ऊपर वाला कैथोड यस सर ऊपर वाला कैथोड आएगा. सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है. इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है. एनोड पे होता है सर. यस यस मयूरेश शुभम समझा सर. जितना नेगेटिव रहेगा वो एनोड रहेगा. मैंने वैसे देखा जितना ज्यादा नेगेटिव. ना ना ऐसे मत देख ऐसे मत देख. इसलिए बोल रहा हूँ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. इस रिएक्शन को देख के पता करो कौन एनोड और कौन कैथोड है. तुम सुनते नहीं हो शुभम. यस समझा.
बाकी लोग गाइस तुम लोग को समझा दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यस इसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कर पाओगे दो ठो मार्क के लिए यस यस आज इतने बच्चे कम क्यों है 92 बच्चे क्यों है बस आधे चले गए अपने पास 180 बच्चे काट गए थे यस सर हट गए वही आ रहे थे पहले हैं जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा तब भाग गए थे प्रोबेबली या फिर जब मैंने बोला था कि तुमको इस चैप्टर में सब समझा उनको लगा चैप्टर खत्म भाग जाते छोड़ो अभी क्या करना है 5 मिनट बाकी है ना भाग अच्छा तो 5 मिनट बाकी रहता तो भाग जाने का इट्स अ यूनिवर्सल रूल सर 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 मैं हूं नायर आर यू बिजी वाचिंग सम इलिसिट वीडियोस सर क्या सर पापा आज मैं खड़े ये पूछ रहे हो सर और क्या करूं यू आर डूइंग दैट इन द क्लासरूम दैट्स वेरी अनएक्सेप्टेबल हां बोलो बोलो बेटा सर अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दिया होगा तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है ना दे विल मेंशन दैट यस दे विल नेवर गिव दैट बट इफ गिवन दे विल मेंशन यस सर यस सर हां बेटा बोल तेजस सर वो आपको नहीं क्या वो कॉपर का भेजा था मैंने कुछ नहीं भेजा था कब भेजा था हां सर उस दिन ने क्या भेजा था सर मैंने आपको कलर का पूछा था सर उसके बाद मैंने दूसरा सिर्फ दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने नहीं पूछा पूछा था सर मैंने भी दोबारा भेज देना जो भी तुमने पूछा एक बार फिर से भेज भाई बिजी आदमी हूं मैं तुम लोग ने बेलस भी बट सुन दो ना सर पैरेलल कर हां मैं उसका क्वेश्चन देता हूं तुमको और बोलो देता हूं मतलब वो कॉपर का नहीं क्या वो नोट्स भेजा था उसका बताओ मेरे को क्लास में ठीक है कल बताता हूं मेरे को एक बार रिमाइंडर भेज दे बेटा ठीक है हां सर सर वो स्क्रीनशॉट भेजो कि लेक्चर भेजो नहीं लिंक भेज दे लेक्चर का ठीक है हां ओके गाइस चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री Yes, yes, sir. Yes, practice, sir. practice. Read. This is a very important chapter when it comes to entrance. इसमें और बहुत सारे concepts हैं जो हम लोग को समझने हैं जैसे types of electrodes, blah blah blah. वो सब मैं आपको entrance के time पे सिखाता हूँ ठीक है मतलब इसका continuous lesson नहीं है chapter from 12th point of view is over. आपने कहा था ना थोड़े और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है तो मैंने सोचा कि कुछ तो कंटिन्यूएशन अगला वो कॉन्सेप्ट्स एंट्रेंस के लिए हैं जो मैं अलग से बताऊंगा ठीक है ओके यस 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ना है आपको आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड यस ओके गाइस चलो कीप स्टडीइंग गाइस वेरी क्रूशियल टाइम इज कमिंग अप नाउ ऑगस्ट सितंबर एंड हो गया बेटा अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना है सब लोगों को एंड यू गाइस आर डूइंग रियली गुड ट्रस्ट मी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो डोंट लूज होप थक मत जाना अब कुछ ही महीनों की बात है जस्ट बक अप एंड कीप ऑन डूइंग इट यू विल डू इट आई नो दैट यस सर